कोरोना महामारी की सबसे बड़ी मार अगर किसी के ऊपर पड़ी है तो वो उन लोगों के ऊपर जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे। ये वो लोग हैं जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे और ज़िंदगी की जो अपनी गाड़ी है उसको आगे लेके जाते थे। लेकिन जिस तरह से 45 दिन लॉकडाउन का बीत चुका है, ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए अब ये परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये यमुना के किनारे का इलाका है, ISBT के करीब। यहाँ कई सारे ऐसे परिवार के हैं जो यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करते थे, रोज़ कमाते थे, गरीब आदमी है जो अलग अलग जगह पे काम करते थे। सबसे पहले मैं बात करूँगा, ये जो लॉकडाउन हुआ है उससे कितनी तकलीफ हो रही है, 45 दिन बीत चुका है जी। बहुत बहुत तकलीफ है जी सर, क्या करें, बच्चे हैं छोटा छोटा, क्या करें, मजदूर आदमी क्या कर, कभी काम लगे कभी ना करे, बैठे क्या करें। फिर घर कैसे चलाते हैं? अब घर चला रहे हैं बाबू, नमक रोटी वही मिल गया, वही बहुत है। कोई सरकार की तरफ से मदद मिल रहा है? कोई नहीं मदद है बाबू, कोई नहीं मदद, कोई मदद नहीं है सर, जैसे के जैसी है, ऐसे ही है जी। तो ये जो राशन वासन सरकार कहती है कि राशन दे रहे हैं, नहीं सब पहुंच रहा है आप लोगों तक? नहीं, कुछ पूछने के लिए नहीं, कोई नहीं। वो लोग कैसे चलाती हैं घर? अब मांग छोटे छोटे मांग चांग के खाते हैं, कोई काम ना करते, यहाँ भूखा प्यासा लोग पड़ल रहते हैं, बाल बच्चा का पालते हैं। तो पहले क्या काम करते थे आप? पहले खुलल था काम करता, कवारा तवारा चुन के खाते था। तो अब कोई नहीं आता? अब कोई नहीं आती है, कोई नहीं। ये छोटा बच्चा तुम्हारा? कैसे, कितने महीने का है ये? 5 महीने का हो गया। अच्छा, तो अभी जो खाना पीना नहीं मिल रहा है, खाना पीना तो ऐसे में अच्छा मिलना चाहिए, तभी तो बच्चा पालो। मिलता है, कोई कोई दे देता है ना, कोई कोई दे देता है ना। चाय की दुकान थी। अच्छा, ये लॉकडाउन होने की वजह से बंद चल रही है, इस वजह से यहाँ पे तकलीफ, सामान वामान है और देखना रहना पड़ रहा है। मदद कर रहे हैं सरकार के लोग, आते हैं कुछ करते हैं? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, कोई पूछने भी नहीं आता है? कोई नहीं पूछने, ये तो हमारी सामान पड़ी है, चाय की दुकान है ये यहाँ पे। लेकिन कोई लोग जो आते हैं कहते हैं कि सब गरीब लोगों को मदद कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं? कोई नहीं देने आते। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं, ये दिनेश का परिवार है, ये यमुना के किनारे यहाँ पे किसी तरह से, ये चंदगी राम अखाड़े के पास का इलाका है और यहाँ पे ये किसी तरह से अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दिखाऊँ किस तरह से छोटे बच्चों के ऊपर भी इसका सीधा असर होता है। आप देखिए कि ये छोटा सा नन्ना बच्चा है जो यहाँ पे है, इनके यही इनका घर है, यही इनका आशियाना है और यहीं पे ये लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ बर्तन आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो भी ज़्यादातर आपको खाली दिखेगा। सरकार की तरफ से इन लोगों का कहना है कि कोई आर्थिक मदद या राशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सरकार, हालांकि चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो सब ये कह रहे हैं कि गरीबों को मदद दी जा रही है, राशन दिया जा रहा है। जो प्रवासी लोग हैं, ये लोग भी प्रवासी ही लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पे कई साल से काम भी कर रहे थे, लेकिन अब इनके पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई आर्थिक मदद सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। इन लोगों के लिए ज़िंदगी जीना और आगे किस तरह से, एक अंधेरा है लॉकडाउन के बाद भी, क्या लॉकडाउन अगर खुल भी जाएगा तो क्या इनकी ज़िंदगी वापस वैसी हो पाएगी जैसे पहले थी, ये एक बड़ा सवाल है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।